आपने देखा होगा जो वहाँ से हमारे पास बयान आ रहे हैं, जो ट्वीट आ रहे हैं, उसकी हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तानी लीडरशिप की तरफ से, बाकी कमेंटेटर्स की तरफ से, और हम ये मानते हैं कि उनका जो बयान है वो हमारे अंदरूनी मामले में दखलंदाजी है। आपने देखा होगा कि बयानों में जिक्र हो रहा है भारत में जिहाद करने के लिए, उन्होंने काफ़ी भड़काऊ ट्वीट्स भी दिए हैं इंडिया में वॉयलेंस पैदा करने के लिए। हमें लगता है कि इसका जो मेन मकसद है ये एक ऐसा माहौल बनाना, एक अलार्मिंग सिचुएशन बनाना कि जो है हमारा बहुत ही जो हालात हैं बहुत ही अलार्मिंग हैं और जो तथ्यों से बहुत ही परे हैं। अगर आप देखें अभी का सिचुएशन भारत और पाकिस्तान के बीच, उनका मकसद यही है कि ऐसा एक माहौल पैदा करना, और लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो बिल्कुल अलग हैं। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि दुनिया ने उनके इस चाल को समझ लिया है, अब वो ऐसे बातों से बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है, और ऐसी बातें जो सिर्फ झूठ और मनगढ़ंत हैं, इसको मैं इंग्लिश में बोलना चाहूँगा कि वी स्ट्रांगली कंडेम द हाईली इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स मेड बाय द पाकिस्तानी लीडरशिप ऑन मैटर्स इंटरनल टू इंडिया। दिस स्टेटमेंट्स इंक्लूड रेफरेंसेस टू जिहाद एंड टू इंसाइट वॉयलेंस इन इंडिया। दिस इज इंटेंडेड टू प्रोजेक्ट एन अलार्मिस्ट सिचुएशन विच इज़ फार फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटीज। पाकिस्तान नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड हैज सीन थ्रू देयर प्रोवोकेटिव एंड अनसब्सटेंशिएटेड रेटोरिक विच इज़ बेस्ड ऑन लाइज एंड डिसीट। दूसरा सवाल आप किसी ने पूछा, somebody asked me about the missile test. Yes, we were aware about the test. As per the established CBMs, we were informed about the test by Pakistan. जो उनका मेन मकसद है ये प्रोजेक्ट करना कि सिचुएशन बहुत ही नाजुक है भारत और पाकिस्तान के बीच, और ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, जो उनके बयान आ रहे हैं, जो ट्वीट्स आ रहे हैं, सब उसी डायरेक्शन में है। विनीता, हमने आई हैव नॉट हर्ड एनी रिपोर्ट्स, नीदर परहैप्स यू नो देयर इज अ स्टेटमेंट बाय पाकिस्तान रिगार्डिंग क्लोजर ऑफ एयर स्पेस। व्हाट आई वी अंडरस्टैंड इज परहैप्स देयर वर सर्टेन सेक्टर्स विच आर टेम्पररीली क्लोज्ड, देयर हैव बीन नो टर्म्स विच हैव बीन इशूड। Somebody asked me about a letter which was written by the Minister of Human Rights. Are you talking about the Minister of Human Rights letter, Shirin Mazari? You know, basically there are two separate things. One is a letter which is written by Shirin Mazari, Minister to the President, I think, Human Rights Council. Frankly, I do not want to lend any credence to the letter by reacting to it. Let me put it very simply that the letter is not even worth the paper on which it is written upon. On the reports about some intrusion, I think you mentioned about some intrusion about Pakistani commandos in the Kutch area. I do not have any information in this regard. I think you have to ask the relevant authorities. I can only say that our security forces are always prepared to deal with any eventuality. We have indeed seen statements coming from few organizations on the human rights situation in Jammu and Kashmir. We completely reject such unsubstantiated statements. These are not based on facts. The facts are being presented on a regular basis by the district administration in Jammu and Kashmir. Yesterday you must have seen the press statement by the governor of Jammu and Kashmir.